केंद्र और राज्य सरकार के बीच युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला जारी है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार ने जो वादा किया था उस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली के तहत 1,20,000 युवाओं को रोजगार दी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला और भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दरबारी बताया। आगे क्या कुछ कहते हैं सुने। कहाँ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक राग दरबारी? आईना की तरह साफ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक झटके में 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति कर दी और केंद्र सरकार 51,000 पूरे देश में और उसमें मात्र 133 बिहारी। गंगा जी में डुबकी लगाइएगा कि जमुना जी में लगाइएगा कि दिमाग प्रदूषित है? जुबान खोले भाजपा, वायदे का रोजगार का क्या हुआ?